नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कल का जो रिजल्ट रहा था, दिल्ली बाजार में 52 खुला, फरीदाबाद 48 के साथ रहा, गाजियाबाद 92, गली में 68 और सुबह दिशावर में 13 देखने को मिली है। हमने जो अंकगणित पर कल काम किया था उसमें दिल्ली बाजार की 52 टॉप क्लास रूप से पास हुई है। मैंने आपको 75-70 का खेल और इसके बाद जो राशि में खेल कर सकता था 25-52 के और 20 के रूप में अच्छे तरीके से बता दिया था और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। फरीदाबाद में 48 खुला हुआ है। फरीदाबाद में मैंने आपके लिए 43 का खेल और 86 का खेल और 66 का खेल रखा था, जो कि बेहतरीन तरीके से काम करते देखा गया। लेकिन यहाँ पर राशि में खेल कट गया, 48 का 43, हमने 43 रखी थी उसकी 48 खुल गई, जो हमने यहाँ पे 68-86 रखी थी वो गली की तरफ चले गई। मेरा अंकगणित बहुत ही टॉप क्लास तरीके से काम करने वाला था, लेकिन चीज़ें ऐसे ही होती रहती हैं, ऊपर नीचे चल रही हैं। गेम लोकेशन के साथ एक निकल कर आया, उसके बाद शायद दबाव ज़्यादा पड़ गया या फिर क्या बोला जाए, चीज़ें उस हिसाब से निकल कर नहीं आई जितने की उम्मीद रविवार के दिन से हमें थी। जोड़े की ट्रिक भी फेल रही थी, बड़ा बेहतरीन तरीके से जोड़े का सिस्टम काम करना था लेकिन काम करके नहीं गया। अब दोस्तों, आज के लिए क्या कुछ बेहतरीन रह सकता है उस पर बढ़िया ही चर्चा करेंगे, क्योंकि गली दिशावर ने लगातार अपना तीसरे दिन इक्का खोल दिया। 2 बार 15 खोलने के बाद दोबारा से 13 खोल दिया इक्के के रूप में। इसके अलावा गाजियाबाद ने कल 92 खोला था। यहाँ पर हमारा खेल चौवे पे ज़्यादा निर्धारित था क्योंकि 54 बढ़िया थी हमारे पास, यहाँ पे 44 का खेल बढ़िया था लेकिन यहाँ पर 92 खुला है। उम्मीद करता हूँ जो भी समझाया होगा, सिखाया होगा, आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद रहा होगा, कुछ जानकारी के साथ बढ़िया अंकगणित आपको मिला होगा। आज का जो अंकगणित है उसमें क्या कुछ बेहतरीन निकल कर आ रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के अंकगणित में जो क्रॉसिंग के अंक निकल कर आ रहे हैं, सोमवार का दिन है, सोमवार के दिन के हिसाब से 8, 5, 7, 6, 2 और 9 दोस्तों, ये अंकगणित मेरे सामने निकल कर आया और मैं ये आपके साथ साझा कर रहा हूँ। थोड़ा सा इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिससे कि कोई भी भाई अगर क्रॉसिंग इस्तेमाल करना चाहे, कोई भी भाई मेरे फेवरेट अंक इस्तेमाल करना चाहे कि भैया ये वाला अंक बाबा जी ने ज़्यादा जोर शोर से बताया है, ये वाला अंक सपोर्ट में है, तो किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, कल की 48 और जो गली की 68 है, ये आपको 8 रिपीट करके लाके दे सकती है, बढ़िया चांस है। इसके अलावा जो ये 13 है, तिग्गी की फैमिली जो होती है वो 8 ही होती है। कल हमने तिग्गी की फैमिली पे खेल दिखाया हुआ था लेकिन दोनों जगह पे फैमिली कटते हुए 8 पे गेम कटी। अगर 8 हमारा होता तो हमारी 2 गेम यहाँ पर सीधे निकल कर आती, लेकिन ये खेल है ऐसे ही चलता रहता है। आज 8 के समीकरण बहुत बढ़िया हैं। इसके अलावा जो 48 है और जो 68 है, अगर 8 कटा तो पंजे पे कटेगा और 8 कटा तो सत्ते पे कटेगा, इसलिए पहले 3 अंकों में 8 खुद का रिपीट होने के चांस बढ़िया है। अगर 8 की कटिंग हुई तो पंजा टॉप क्लास है, अगर पंजे से भी बच के चला गया तो 7 के अलावा कहीं जाएगा ही नहीं। तीनों ही अंक टॉप क्लास हैं। अगर क्रॉसिंग में आपकी बन रहे हैं या आपकी जोड़ियां इनसे बन रही हैं तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। 6 का अंक ट्रिक का अंक है, दुग्गी का अंक ट्रिक का अंक है, नहले का अंक ट्रिक का अंक है कि भैया सोमवार का दिन है, इनके खुलने की संभावनाएं बढ़िया बन रही हैं, तो ये क्रॉसिंग में रखे गए हैं। दुग्गी ने कल हमें फायदा भी करवाया, दुग्गी हमारी 52 के साथ क्रॉसिंग में पास हुई, जोड़ी में पास हुई, 92 के रूप में यहां पर हमारे पे 9 नहीं था, दुग्गी थी, तो यहां पर भी हमारा दुग्गी के साथ खेल चला था। जो बढ़िया गैसिंग मैं बता रहा था ना आपको, 7 ना खुला तो 2 खुल सकता है, तो वो बिल्कुल सटीक पैमाने पर काम करके गया। आज 7 को रखा गया है क्योंकि समीकरण बन रहे हैं, अगर आज भी ये बंद होता है तो दुग्गी टॉप क्लास इसकी जगह पर ले सकती है, काम करके दे सकती है। मेरे पास आपको सबसे पहले जो सीखने को मिलेगा, जो आपको गिफ्ट मिलेगा या जो भी आपको ज्ञान मिलेगा, वो ये मिलेगा कि मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। यहाँ से सिंगल जोड़ी, 2 जोड़ी, 4 जोड़ी ये खुद भी आप बना सकते हो जब आप इतना अच्छा अंकगणित सीख जाओगे। इसके अलावा मैं भी एकदम बेहतरीन कोशिश करके चलता हूँ कि मैं लोगों को विद लोकेशन गेम पास करवा के दे सकूँ, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल टास्क है, काफ़ी बड़ा टास्क है, आप सब समझते हो। 100 जोड़ियों में से 1 जोड़ी खुलनी है, उसका समीकरण भी पकड़ना है, उसकी ट्रिक पैटर्न भी नोट करनी है और फिर वो गेम भी पास करवानी है, तो लगातार बदस्तूर कोशिश जारी है। गेम पास भी होते हैं, फेल भी होते हैं, सब कुछ चलता रहता है, बस आप अपना विश्वास बनाए रखें।
दिल्ली बाजार में कल की पासिंग के बाद आज 52 के ऊपर क्या कुछ बेहतरीन रह सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 52 के ऊपर सबसे पहले एक ट्रिक जोड़ी की 62 रख सकते हो आप, जिसके समीकरण बन रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर 42 का खेल रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक ट्रिक जोड़ी है जो 15-51 की काम करके दे सकती है। दुग्गी कल हमारी यहाँ पर फेवरेट रही थी, पंजा हमारा यहाँ पर काम करके गया था, तो पंजे के साथ इक्का रखने की कोशिश की गई है। 62-42 का समीकरण बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करके दे सकता है, इसलिए गेम में रखा है। राम जी की जो भी इच्छा होगी उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो राम जी का आदेश है कि भैया इस पे खेल चलाओ, समीकरण हमारे सामने कुछ इस प्रकार निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपने नोट कर लेना एक बार अच्छे से। अब यहाँ से फटाफट से फरीदाबाद की तरफ बढ़ते हैं। फरीदाबाद में क्या कुछ रह सकता है, तो फरीदाबाद में 48 के ऊपर अगर सबसे पहली कोई ट्रिक जोड़ी बन रही है तो वो 58 बन रही है, जो 48 के साथ भी काम करती है, 68 के ऊपर भी काम करती है, 13 खुलने के बाद भी काम करती है। तो ये तो हो गई आपकी 58-85 ट्रिक जोड़ी। इसके साथ में यहाँ पे 47 का समीकरण बहुत बढ़िया बन के निकल कर आ रहा है, मैंने बताया आपको। इसके अलावा यहाँ पर 45-54 का समीकरण बहुत निकल के आ रहा है। चौवा अगर रिपीट हुआ तो सत्ते पे कट सकता है, अट्ठा हमारा चौवा अगर रिपीट हो गया और अट्ठे की जगह कुछ कटा तो पंजे पे कट सकता है। टॉप क्लास अंक गणित के साथ आपके लिए यहाँ पर खेल रख दिया है। इसके साथ में यहाँ पर एक मैं 83 भी रखना चाहूँगा और यहाँ पर मैं आपको देना चाहूँगा अट्ठे का हरूफ कि भैया यहाँ पर इससे बेहतरीन गेम हो ही नहीं सकती अगर हमें खेल आजमाना है ना। तो देखो हमने 58-85, 83, 47, 45 सब रख ली। अट्ठा अगर रिपीट हुआ, मैंने पहले ही क्रॉसिंग में समझाया ना, अट्ठा अगर रिपीट हुआ तो देखो चौवा पंजे के साथ बदलते हुए 58-85, 83 घटाते बढ़ाते क्रम में हमारे पे गेम हो गई। अगर अट्ठा कटा तो सत्ते पे कटेगा तो चौवे सत्ते पे आ जाएगा, अगर अट्ठा सत्ते के अलग जाएगा तो चौवा पंजे पे आ जाएगा। ये हो गया बिल्कुल बेहतरीन सिस्टम कि गेम पास होने की बेहतरीन सॉलिड ये ले राय खेल एक समीकरण। अब यहां से अगर ये तिग्गी खोल दे, दुग्गी खोल दे तो वो हमारी किस्मत है। देखो उस पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपको पता है कि भैया ये निशान इस मंजिल की तरफ पहुंचाते तो जायज सी बात है कि आप उन निशान को फॉलो करोगे कि भैया ये किसी के पैर के निशान है, शायद ये मुझे मंजिल तक पहुंचा दे। ठीक है जी, जब पुलिस किसी चोर की शिनाख्त कर रही होती है, कहीं पे कुछ सुराग ढूंढ रही होती है, तो देखा है ना वो निशानों को फॉलो करते हैं, क्योंकि समीकरण यही है कि भैया ये निशान ही हमें मंजिल तक लेके जा सकते हैं। ऐसे ही जब भी मैं काम करता हूँ ना आपके लिए, तो मैं उन्हीं चीज़ों को फॉलो करता हूँ जो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। दिल्ली बाज़ार में जो कल 52 खुली है वो उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण निकल कर आया है। फरीदाबाद में जो गेम मैंने आपको दी, अगर थोड़ा सा मैं एक दो जोड़ी का खेल उसमें बढ़ा दूं तो मैं बोल रहा हूं लोकेशन के साथ गेम पास हो जाए, लेकिन वही वाली बात है कि 2-4-5-10 लोग तो समीकरण के लिए राजी हो जाएंगे कि बाबा जी आप 3-6 जोड़ी दे दो, हम गेम खेलेंगे, हमें बढ़िया मजा आता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि अरे भाई 6 जोड़ी दे दी यार तूने, जब भी तेरी गेम पास नहीं हो रही। तो ये जो बदतमीजी का लहजा है ना, ये थोड़ा सा पसंद नहीं है अपने आपको ना। बिल्कुल दूसरों का सम्मान करो और खुद का भी सम्मान होना चाहिए। इज्जत दो, इज्जत लो, यही सबसे बढ़िया काम होना चाहिए। इसलिए जो बढ़िया लगता है वो आपके साथ साझा कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ना किसी की शक्ल नहीं दिखती जो कमेंट करते हैं, जो बदतमीजी करके चले जाते हैं या फिर जो भी कुछ लिख देते हैं ना उल्टा सीधा, ये दूसरे कहते हैं ना बहरूपी होते हैं ये, जो फेक आईडी बनाकर अपना कुछ भी नाम चढ़ाकर कर देते हैं। आदमी सामने मुँह पे थोड़ी बोल सकता है, आदमी मुँह पे बोल के देख ले तो पता चल जाए कौन कितना पानी में है। बस यही है कि पीछे से अपना कुछ भी बोल के चले गए। हालांकि ऐसा होता नहीं है मेरे साथ, लेकिन एक मन में कहीं कुछ मैंने कमेंट देखे थे किसी और चैनल पर, तो वो एक मन में रह गया कि लोगों को समझाना चाहिए कि आप समझो किसी को उल्टा बोलने से पहले, किसी को किसी भी तरीके से आपको कुछ कहना है तो उसका एक सम्मान होता है कि तरीके से बात की जाए, तो सुनने वाला भी जवाब देता है। आप मेरे पे कमेंट करो, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। कोई मुझसे कहता है बाबा जी गेम फेल हो रही है, हाँ जी भैया जी फेल हो रही है, आप अगर दूर रहना चाहते हो तो दूर रहो मुझसे। लेकिन कुछ मैं एक दो वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे, तो उन बेचारों का थोड़ा सा दर्द मेरे अंदर से निकल कर आ रहा है कि यार आदमी इतनी मेहनत करता है, इतना काम करता है, उसके बाद उसे कमेंट में क्या मिलता है। तेरे बस की नहीं है भाई, रहने दे तू। अच्छा यार तू करके देख ले भाई, तू तेरे बस की है तो तेरे बस की, तो बस ये कमेंट कर रहा है तू भाई फेक आईडी बना के। थोड़ा सा ये टॉपिक से हटके चली चीज़ें, इसके लिए थोड़ा सा इग्नोर करें इसे। अब बात करना चाहता हूँ गाज़ियाबाद के खेल की। 92 के ऊपर क्या कुछ बेहतरीन लेकर हम चल सकते हैं। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, गाज़ियाबाद ने 1 तारीख को 93 खोली थी या 39 खोली थी, उसके अगले दिन हमने यहाँ पर खेल में निकाली थी 0-3-30। आज यहाँ पर 92 खुली हुई है। मेरे हिसाब से
यहाँ पर जीरो का अंक बेहतरीन बनेगा 03 के साथ, 06 के साथ और 80 के साथ। अगर किसी को जमता हो तो मैं बोल रहा हूँ बेहतरीन गेम यहाँ पर निकल कर आई है, दमदार है, इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट किसी के हाथ में नहीं है। कई बार आपने देखा होगा आप कहीं पर ऐसी निगाह होती है, कोई जोड़ी निकल कर आ जाती है या आप जोड़ी खेलते हो, 10 रुपये की आपने गेम खेली, फिर आप सोचते हो यार 50 की खेल लेता। जो आदमी 50 की खेलता है वो कहता है यार 100 की खेल लेता, जो 100 की खेलता है वो कहता है यार 300 की खेल लेता, जो 300 की खेलता है वो कहता है यार 1000 की कर लेता। तो लालच तो कभी किसी का पूरा हुआ ही नहीं है। आप कितना ही बेहतरीन तरीके से काम कर लो, बस वही है कि जिसके अंदर थोड़ा सा ये है कि श्रद्धा है, सबूरी है, उसका काम बढ़िया चल रहा है। वरना आदमी की गेम पास होती है, उसे लगता है कि यार 5 की लगी है, यार 50 की लगनी चाहिए थी। तो ये चीज़ें हमेशा होती रहती हैं। लेकिन जो सबसे बेहतरीन गेम हो सकता है ना गाज़ियाबाद के लिए, वो ये रहने वाला है। गेम फेल भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, छोटा बड़ा जैसा भी आपका मन करे आप खेल को चला सकते हैं। आपके लिए जो बेस्ट रह सकता है ना, दिल खोल कर आपके सामने बता देता हूँ, रख देता हूँ कि भैया मेरा परिवार है, उसको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जब उसे समझ में आएंगी तो वो इस्तेमाल भी अच्छे से कर पाएंगे। 68 के ऊपर, 68-86 के ऊपर अनकट सिस्टम रख रहा हूँ, पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। बड़ी सिंपल सी ट्रिक लगाई है, 65 की, 15 की, 58-85 की, टॉप क्लास है। राम जी ने कृपा करी तो बढ़िया काम हो जाएगा। और मैं जैसे बता रहा हूँ, जो 13, 31, 68, 92, 48, 52 ये ऐसी जोड़ियाँ हैं ना जिस पे मैंने लगातार पासिंग ली है, बस यही है कि राम जी आज क्या चाहते हैं। अगर आज थोड़ा सा हमें फेवर कर दिया तो बोल रहा हूँ 19 तारीख में है, महीने के 19वीं तारीख में है, जिसका कुछ गया हुआ है वापस आ जाएगा, जो प्रॉफिट में चल रहा है प्रॉफिट डबल हो सकता है। बेहतरीन सिस्टम आपका यहाँ पर लग सकता है। अब देखते हैं रिजल्ट कितना हमें फेवर करता है, राम जी की कितनी हमारे ऊपर दया दृष्टि रहती है। दिशावर में वीडियो क्या कुछ बेहतरीन लेकर आई है, तो भैया 13 के ऊपर देखो, सिंपल सी एक चीज़ समझ लो, पहले भी कहा है कंपनी के पीछे पीछे चलना शुरू कर दो, कंपनी अपने आप मंजिल तक लेके चली जाएगी। कंपनी इस टाइम पर इक्के को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, 3 दिन से लगातार सिर्फ और सिर्फ इक्के का अंक दिशावर में खुल रहा है और कहीं पे इक्के का अंक काम नहीं कर रहा। आज कहीं कहीं काम करने की कोशिश है तो इस्तेमाल किया गया है, 15 के रूप में इस्तेमाल किया है दो जगह पे। यहाँ पे कंपनी दो बार 15 खोलने के बाद 13 के बाद दोबारा से 15 खोल सकती है, बहुत अच्छे समीकरण है। 17 कल हमने यहाँ पर रखी थी, आज भी रखने के चांस हैं। इसके अलावा 18 बेहतरीन समीकरण है। इक्का मैं तो भैया कंपनी के साथ चलूँगा, अगर आप कंपनी के साथ चलते हो तो ये वाली गेम रहने वाली है। अगर आप कंपनी के अगेंस्ट जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, भैया आप अपनी मर्जी के मालिक हो, रुपया आपका लगना है, सारी चीज़ें आपकी लगनी है। तो यहाँ पे जो बेस्ट हो सकता था वो तो आपके साथ साझा कर दिया, जो बढ़िया हो सकता था वो आपके लोग बता दिया कि भैया ये चीज़ें बढ़िया हैं, यहाँ यहाँ ये चीज़ें काम कर सकती हैं। बाकी जो भी राम जी चाहेंगे बढ़िया से कृपा हो जाएगी। एक अच्छा वीडियो बना दिया है, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। कल फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, बहुत सारा प्यार।